आइए अब खबर विस्तार से। भोपाल में प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल बिल्डिंगों में से एक सतपुड़ा भवन में भीषण आग लग गई। आग में कई सरकारी दस्तावेज भी जलकर राख हो गए हैं। कांग्रेस ने इस पर सवाल भी उठाए हैं और घटना की जांच की मांग भी की। आग की लपटें, धुएं का गुबार, एमपी की सबसे हाई प्रोफाइल बिल्डिंगों में से एक सतपुड़ा भवन धूं धूं कर जल रहा है। आग कितनी भीषण है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सतपुड़ा भवन की दो मंजिलें जलकर राख हो चुकी हैं। इस इमारत में कई सरकारी विभागों के दफ्तर हैं। यहां रखी सरकारी फाइलें, करोड़ों रुपए के फर्नीचर आग में जल गए। इमारत में आग लगते ही हड़कंप मच गया। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर धुआं इतना तेज था कि पूरी बिल्डिंग में ये धुआं भर गया। आनन फानन में कर्मचारियों अधिकारियों को बाहर निकाला गया। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आदिम जाति कल्याण विभाग का दफ्तर है। आग लगने के कारण कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। दस्तावेज इतने ज्यादा थे कि आग पूरे फ्लोर पर फैलती हुई नजर आई। इस आग में परिवहन विभाग का रिकॉर्ड भी जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि एसी में ब्लास्ट होने के कारण बिल्डिंग में आग लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड फौरन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की गई। इस बीच नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड के पास पानी तक खत्म हो चुका था। तेज हवा ने आग को और भड़काया। गर्मी इतनी तेज थी कि खिड़कियों के कांच तक टूटने लगे। आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ सीआईएसएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से लेकर अधिकारियों तक ने भी मोर्चा संभाल लिया। किस तरह का रिकॉर्ड उसमें जल गया है, ध्वस्त हो गया है, क्या क्या नुकसान हुआ है, इन सारी चीजों के ऊपर एक गहन जांच जरूरी है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सतपुड़ा भवन में लगी आग पर सियासत शुरू हो चुकी है। अरुण यादव ने ट्वीट किया और निशाना साधा। उन्होंने लिखा, प्रियंका गांधी ने घोटाले गिनाए। अरुण यादव ने पूछा कि आग के बहाने कई घोटालों के दस्तावेज जलाने की साजिश तो नहीं है। कांग्रेस ने घटना की जांच की मांग की है और बीजेपी ने उस पर तुरंत पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को हर चीज में सियासत नजर आ जाती है। देखिए, कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही आरोप लगाकर राजनीति करना है। अगर कांग्रेस को कहीं कोई दिक्कत लग रही है, कहीं कोई भ्रष्टाचार की बात जैसे वो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं मीडिया के समक्ष आकर वो सब चीजें प्रस्तुत करते हैं? क्यों नहीं अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं? ये राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं, ये सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करते हैं और अभी भी इसमें सियासत को ढूंढने का काम कर रहे हैं। सतपुड़ा भवन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। यहाँ इतनी भीषण आग लगना वाकई सवाल खड़े कर रहा है। क्या फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे? अगर थे तो आग फैलती कैसे चली गई? और इस सवाल के बीच आग पर सियासी गर्मी भी बढ़ती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गर्मी के मौसम में पानी के लिए लोगों को जद्दोजहद करते आपने देखा होगा, लेकिन खंडवा से आई है ऐसी तस्वीर जो ना सिर्फ हैरान कर रही है, सवाल भी खड़े कर रही है। पानी के लिए यहां बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि पानी नहीं तो जहर दे दो। ये कोई खेल तमाशा स्टंट नहीं, प्यास बुझाने की जद्दोजहद है। एक 15 साल की बच्ची पानी के लिए जान जोखिम में डालकर 60 फीट गहरे कुएं में उतरी है। यूं तो कुआं भी सूखा है, लेकिन प्यासे के लिए हर बूंद अमृत के समान है। पंधाना विधानसभा के भिलखेड़ी गांव की ये तस्वीरें हैं। पानी के लिए रोज यहां ग्रामीणों को ऐसा ही संघर्ष करना पड़ता है। कितने दिन होगा? फिर भी दो महीने हो गए। दो महीने से यही कर रहे हो आप पीने का पानी के लिए? नहर दो नहीं तो जहर दो। जल संकट से जूझ रहे ग्रामीण अब शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि चुनाव के समय नेता आते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन गांव में पानी की समस्या दूर करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। लाइन देवा
जल संकट की बात को यहाँ के विधायक भी मानते हैं, विधायक राम दांगोरे। उनका कहना है कि सालों से क्षेत्र सूखाग्रस्त है, लेकिन बच्ची कुएं में क्यों उतरी इसका पता लगाया जाएगा। क्योंकि हमारा क्षेत्र सूखाग्रस्त घोषित है, गर्मी के समय पानी 1000 फीट से भी नीचे चला जाता है हमारे यहाँ, और कोई 2-4 साल से नहीं है, लंबे समय से सूखाग्रस्त घोषित है, नंबर एक। दूसरा, बच्ची का जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि संवेदनाओं भरा मामला है। बच्ची को उतारा गया है या बच्ची स्वयं अपनी इच्छा से गई है या घर वालों ने भेजा है, ये मैं आज ही इसको जांच करवाने के बाद में इस पे जवाब दे पाऊंगा। बच्ची के कुएं में उतरने का ये वीडियो खंडवा उद्वहन सिंचाई योजना की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे नहर सैनिकों ने बनाया था। इस परियोजना से 57,000 हेक्टेयर भूमि और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। नहर सैनिक लगातार विधायक को घेर रहे हैं और अब विधायक बच्ची के कुएं में उतरने पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि विधायक ये नहीं बता रहे कि गांव में पानी की समस्या दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे। न्यूज 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। अब आपको अतिक्रमण का ऐसा गड्ढा दिखाने वाले हैं जिसकी कोई मिसाल आपने ना पहले कभी सुनी होगी ना देखी होगी। सरकारी जमीनों पर कब्जा भूमाफिया और दबंगों को पसंदीदा शौक रहा है ये, लेकिन जशपुर के एक रसूखदार ने इसके दायरे को इतना बढ़ा दिया कि हर कोई हैरान है। उसने ऐसी जमीन पर कब्जा किया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इस अतिक्रमण को देख आप भी कह उठेंगे वाहरे कब्जाधारी। देखिए, कहते हैं अगर इंसान में कर गुजरने की तमन्ना हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, फिर सही क्या गलत क्या, बस हौसला, योजना और रसूख होना चाहिए। देखिए जरा, पुल के नीचे खड़ी हो रही है बुलंद इमारत। यह पुल को मजबूती देने का कोई नया इंजीनियरिंग प्लान नहीं, खालिस अतिक्रमण है। सरकारी जमीन पर कब्जे का इनोवेटिव आइडिया है। बड़े बड़े अतिक्रमणकारियों के नजर भी खाली पड़ी सरकारी जमीन सड़क गली नालियों से आगे नहीं जा पाती, पुल के नीचे झांकने की तो सोच भी नहीं आती, लेकिन यहां आई है, तभी तो पुल के नीचे इमारत बनाई है। और ऐसे भी पुल के नीचे पानी ही तो बहना है, इस जमीन को बेकार ही तो रहना है। तो अगर खुद में है सामर्थ्य तो भूमि क्यों जाए व्यर्थ। शायद इसी सोच के साथ जशपुर के कुनकुरी में गिना बहार मार्ग पर बने इस पुल की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। बंदरा खसरा नाले पर सेतु निगम ने करोड़ों की लागत से यह पुल बनाया है, लेकिन इलाके के एक रसूखदार ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया, और सिर्फ कब्जा ही नहीं, यहां इमारत बनानी भी शुरू कर दी। ये कुनकुरी जसपुर जिले के कुनकुरी तहसील के गिनाबहार पंचायत है ये, और यहाँ तक अंतिम जिस छोर पे हम खड़े हैं ये नगर पंचायत की आखिरी सीमा है, नगर पंचायत की आखिरी सीमा है। और ये गिनाबहार पुल का निर्माण अभी विगत कुछ वर्षों पूर्व ही हुआ है। यह जमीन जिस पे हम खड़े हैं ये सुईलाराम नाम के एक बसोड़ जो कि बांस का निर्माण करके काम करते हैं, उनको 1974-75 में पट्टे पर प्राप्त हुई थी 1 एकड़ जमीन, जिसे अवैध तरीके से पटवारी आरआई की मिली भगत से, उस समय के जो वर्तमान पटवारी आरआई रहे होंगे उनकी मिली भगत से, अजीत जैन ने अपनी पत्नी वीना जैन के नाम से इस प्रॉपर्टी को अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली। तो अजीत जैन के द्वारा तो दुस्साहस करते हुए इस पुल के नीचे अवैध रूप से निर्माण कर दिया जा रहा है, और इस नदी के बहाव प्रवाह तंत्र के कैचमेंट एरिया पे ये घर निर्माण कर दिया गया है ईटा पत्थर के द्वारा, और वहाँ पर एक कुआं भी कोड़ दिया गया है, पुल के जस्ट बीम के नीचे में 15 फीट का कुआं कोड़ दिया गया है। देखिए, ये किसी भी तरह किसी भी रूप में गलत है, क्योंकि एक पुल जो होता है वो सरकार की संपत्ति होती है, और खासकर नदी के ऊपर बना पुल सरकार की पूर्ण रूप से एक संपत्ति होती है, और पुल के नीचे में इस तरह के मकान का बनना और एक यहाँ के दबंग व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा बनाया इस तरह से जाना, ये सरासर गलत है, प्रकृति से खिलवाड़ है और कहीं ना कहीं इस पुल से भी खिलवाड़ है, तो ये अनुचित है, मुझे अनुचित प्रतीत होता है। पुल की जमीन पर कैसे कब्जा किया गया ये सुना आपने, लेकिन ये बात सिर्फ अतिक्रमण की नहीं, इसमें खतरा है पुल को भी, इससे गुजरने वाले लोगों को भी। पुल मजबूत पिलर पर खड़े होते हैं, लेकिन यहां अतिक्रमणकारी ने पुल के पिलर के पास गड्ढा खोदकर कुआं भी बना दिया।
जिससे पुल कमजोर हो सकता है, ध्वस्त हो सकता है। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। ये खाली मकान बनाना, ये इतना दुस्साहस कि आप ये देखिए, ये पिलर है सेतु निगम का, बंद्रा खसरा पुल पे निर्माण हुआ है, कितना मजबूत पिलर है, और उसके नीचे देखिए ये कुआं बना दिया गया है, ये डाड़ी है, खोद दिया गया है यहाँ। उधर मकान बना रहे हैं वो अलग है, लेकिन ये डाड़ी है, ये पुल ध्वस्त हो जाएगा। तो आम लोगों को भी पता है कि पुल के नीचे निर्माण गलत है, पिलर के पास गड्ढा खोदना पुल की सुरक्षा से खिलवाड़ है, तो फिर यह अतिक्रमण रोका क्यों नहीं गया? अधिकारियों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ी? हालांकि तहसीलदार कह रहे हैं कि उन्हें किसी आम नागरिक ने इसकी सूचना दी। इसके बाद जमीन पर कब्जा करने वाले अजीत कुमार जैन नाम के शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल मुझे फोन के माध्यम से एक नागरिक ने सूचना दिया और उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ फोटोज भी भेजे, जिसमें दिखाई दिया कि गिनाबहार पुल है, उसके नीचे में अजीत कुमार जैन के द्वारा एक स्टोर रूम बनाकर रखा गया है, कुआं खोद के रखा है पिलर के नीचे, और गार्ड वॉल का निर्माण भी किया जा रहा है। तो इसको, क्योंकि मैं रायपुर में था उस समय, एसटी आयोग में मेरा वहाँ पे पेशी था, तो जैसे ही मुझे पता चला मैंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर कुनकुरी के तत्काल मौके पर भेजा और उन्होंने उनसे पंचनामा बनवाया और तत्काल उसमें स्थगन लगाया, और साथ ही छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत दर्ज कर आगे कार्रवाई के लिए उनको जवाब के लिए न्यायालय बुलाया गया। ये हैरानी की बात है कि पुल के नीचे इमारत बनती रही और तहसीलदार को इसकी जानकारी व्हाट्सएप से मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि रसूखदार को बड़े लोगों का संरक्षण है, वो बड़े लोग आखिर हैं कौन, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। नदी के बीचों बीच किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस तरीके से कब्जा जो किया जा रहा है, उस पर कार्रवाई की मांग यहां पर हो रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में राजस्व विभाग कब नींद से जागता है और इस तरीके से नदी के बीचों बीच में कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। दीपक सिंह, न्यूज 18, छत्तीसगढ़, जशपुर। जबलपुर में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के चुनावी मुहिम का शंखनाद किया। प्रियंका गांधी बीजेपी पर जमकर बरसी और 5 गारंटी भी दी। कार्यक्रम में पीसी सचिव कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के अलावा आला नेता भी शामिल हुए। एमपी की चुनावी लड़ाई वादों की गारंटी तक आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जबलपुर आई तो 23 के रण में कांग्रेस के वादों को धार दे गई। कमलनाथ ने भी सरकार को घेरा। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। इतने सारे नौजवानों को देख रहा हूं यहाँ आज, ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज का बेरोजगार नौजवान, इसकी अपनी सोच है। आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। प्रियंका के एमपी आने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, पाखंड ना करें, मां नर्मदा को राजनीति में ना घसीटें। ये पाखंड बंद करना पड़ेगा उन्हें। संस्कार होना अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि अगर महात्मा गांधी के रामधुन का स्मरण अगर कांग्रेस को होता तो ये पाखंड शायद उनको नहीं करना होता। और अगर उन्होंने नर्मदा जी की शपथ की बात की है तो मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि नर्मदा को इस राजनीति में मत घसीटो। कर्नाटक में बजरंगबली का विरोध किया, आज बजरंगबली की आरती उतार रहे हैं। कमलनाथ जी बजरंगबली के आकार के केक पर छुरी चलाते हैं और प्रियंका जी नर्मदा मैया की आरती करती हैं। ये चुनावी छलावा, ये केवल चुनाव के वक्त भगवान को याद करना, ये कांग्रेस की राजनीति है और इस राजनीति को जनता भी समझती है। हालांकि प्रियंका गांधी ने वादों की 5 गारंटी जरूर दी, कुछ कुछ राहुल वाले अंदाज में, लेकिन 2018 में राहुल गांधी के किए वादे कितने पूरे हो पाए, ये सवाल है। इधर बीजेपी सरकार घोषणा के ऐलान के साथ योजनाओं को अंजाम तक भी पहुंचा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
जबलपुर में प्रियंका गांधी की सभा में राहुल गांधी भी पहुंचे, लेकिन ये असली राहुल गांधी नहीं, भोपाल के राकेश कुशवाहा हैं। इन्हें देखकर आप भी इनको राहुल गांधी ही समझ बैठेंगे। देखिए, वही लुक, वही अंदाज, पहली नजर में तो कोई भी धोखा खा जाए। कहीं सामने राहुल गांधी तो नहीं खड़े। लोगों से मिलने का, उनके साथ सेल्फी लेने का हर अंदाज राहुल गांधी जैसा। लेकिन ये राहुल गांधी नहीं, भोपाल के राकेश कुशवाहा हैं। राकेश जबलपुर में प्रियंका गांधी को सुनने पहुंचे थे। उन्हें देख लोग हैरान रह गए। राकेश राहुल गांधी की तरह ही दाढ़ी और बाल रखते हैं, पहनावा भी उन्हीं की तरह है। राहुल गांधी के फैन राकेश बताते हैं कि इस लुक की वजह से वो जहां भी जाते हैं माहौल बन जाता है। मेरा नाम राकेश कुशवाहा है, मैं भोपाल से हूं, और इस लुक की तो क्या कहूं मैं आपसे। ये समझिए कि सारे देश में मेरा नहीं, राहुल जी का क्रेज है, राहुल गांधी जी का क्रेज है, जो लोग इस लुक को पसंद कर रहे हैं। मैं जहां जाता हूं वहां माहौल बन जाता है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। लोग सड़कों पर चिल्लाते हैं राहुल जी का नाम लेके, राहुल गांधी जा रहे हैं। लोग बीच सड़क पे गाड़ियां रोक के सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं। राकेश राहुल गांधी के प्रशंसक हैं। ये बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने ये लुक अपना लिया। इनका कहना है कि कई बार लोग राहुल गांधी इन्हें समझ लेते हैं। पवन पटेल, न्यूज 18 जबलपुर। भोपाल से खबर है जहां पर सतपुड़ा भवन में आग लगी है, और आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका। पांचवी मंजिल तक आग पहुंच चुकी है। तीसरी मंजिल से ये आग लगना शुरू हुई, अब धीरे धीरे पूरे भवन को चपेट में लेती हुई। कई अहम दस्तावेज जलकर खाक हो गए, करोड़ों का फर्नीचर जलकर स्वाहा हो गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं, पानी खत्म हो जाता है, दोबारा बुला लिया जाता है, लेकिन आग बुझी नहीं पा रही है। देखिए तस्वीरें, विकराल रूप आग ने ले लिया, भीषण आग जो फैलती ही जा रही है। कई घंटे बीत चुके हैं, 4 से 5 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन आग अभी भी नहीं बुझ पाई। हालांकि आग कैसे लगी है पता नहीं चल पाया, लेकिन प्राथमिकता अभी यही है कि आग पर किसी भी तरीके से काबू पाया जाए। सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है, कलेक्टर भी वहां पर मौजूद हैं, सीएम शिवराज भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है, कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या ये साजिश है, क्योंकि महत्वपूर्ण दस्तावेज इस भवन में रखे हुए थे जो जलकर राख हो चुके हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट के महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजरें बनाए हुए हैं इस घटना पर, और सीएम शिवराज ने जांच कमेटी बनाई है। जांच के प्रारंभिक, आग लगने के प्रारंभिक कारणों का पता करेगी कमेटी। सीएम ने आग के प्रारंभिक कारणों को जानने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी में एसीएस होम राजेश राजौरा, पीएस सरवन नीरज मंडलोई, पीएसपीडब्ल्यूडी सुखबीर सिंह और एडीजी फायर रहेंगे। आग लगने के प्रारंभिक कारणों का पता लगाया जाएगा और रिपोर्ट सीएम शिवराज को सौंपी जाएगी। गाड़ी है, खुद ही देखिए किस तरह से दमकल कर्मी बेचारे, पुलिस जो है इन्हें कह सकते हैं धक्का लगाया है और अब गाड़ी को आगे बढ़ाया, तो ये सिस्टम भी दम तोड़ चुका है। यहाँ की जो गाड़ियां हैं वो दम तोड़ चुकी हैं, इन्हें किस तरह से पुलिस के जवानों ने धक्का दिया उसके बाद ये। तो कई सारी परेशानियां यहाँ पर आ रही है, पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का पानी खत्म हुआ, फिर बताया जाता है कि मंडीदीप से दमकल की गाड़ियां आई, और भी कई जगहों से दमकल की गाड़ियां आ रही हैं।
क्योंकि पानी कम पड़ रहा है, आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही, धीरे धीरे आग फैलती जा रही है, भीषण होती जा रही है, विकराल रूप आग ने अब ले लिया है। परेशानी यह भी थी कि जो भवन में ग्लास लगे हुए हैं उनकी वजह से पानी नहीं पहुंच पा रहा था जहां पर आग लगी, फिर उन ग्लासेस को तोड़ा गया, उसके बाद फिर पानी डाला गया, तो कई सारी परेशानियां यहां पर खड़ी हो रही हैं। लगातार मेहनत की है मगर सिस्टम की जो खामी है उसकी वजह से इस आग को काबू पाने में इतना वक्त लग रहा है। कैमरा पर्सन अजित तंवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18। तो हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि सिस्टम की खामी की वजह से आग पर काबू पाने में इतना समय लग रहा है और निश्चित तौर पर 5 घंटे करीब करीब हो चुके हैं, 5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन आग अभी भी नहीं बुझ पाई है। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ इस आग से। समय रहते भवन से सभी लोग बाहर आ गए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अनुराग, सीएम शिवराज भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस घटना पर और जांच कमेटी भी बना दी है जो रिपोर्ट सौंपेगी सीएम शिवराज को। अनुराग, बिल्कुल, देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही थी उसके मुताबिक ये आकलन किया जा रहा था कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगी है, लेकिन आग इतने बड़े पैमाने पर फैल गई उसके मूल कारणों को के लिए अब एक जांच कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। एसीएस होम यानी कि जो गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव है राजेश राजोरा, उनके साथ पीएस अर्बन नीरज मंडलोई और प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के सुखबीर सिंह और एडीजी फायर को मिलाकर एक कमेटी का गठन किया है जो इस बात का पता लगाएगी कि किन कारणों के कारण आग लगी और आग से बचाव के लिए जो उपाय बिल्डिंग के अंदर होना थे वो क्यों नाकाफी थे। तमाम पहलुओं को लेकर बारीकी से पड़ताल की जाएगी। तो 3 जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं, जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जो पूरे मामले की पड़ताल करेगी और सरकार को रिपोर्ट देगी कि आखिर आग के कारणों का क्या कारण रहे। निश्चित तौर पर और कहीं ना कहीं सवाल भी उठेंगे अनुराग, क्योंकि कोई आम बिल्डिंग नहीं है, सतपुड़ा भवन है, कई महत्वपूर्ण विभाग यहाँ पर हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कई सारे सवाल खड़े होंगे क्योंकि कोई आम बिल्डिंग ही है नहीं, सतपुड़ा भवन है, कई सारे विभाग यहाँ पर काम करते हैं, कई सारे विभागों के महत्वपूर्ण दस्तावेज यहाँ थे, अब हम कहेंगे जो कि है नहीं, और जो फायर सेफ्टी सिस्टम होना चाहिए उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। जितेंद्र, बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा, ये सबसे ज्यादा हाई सिक्योरिटी जोन है क्योंकि ये सतपुड़ा भवन है, इसके ठीक सामने अगर बात करें बल्लभ भवन, फिर मंत्रालय, फिर विधानसभा, तो ये कितना हाई सिक्योरिटी जोन है, उसके बावजूद यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 7 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने मोर्चा संभाला। गनीमत अब अच्छी बात यह है कि इस आग पर काबू पाने के लिए लगभग पूरे प्रयास हो चुके हैं। आग का अब कहीं गुबार नजर नहीं आ रहा है मगर जो धुआं है वो जरूर उठता हुआ नजर आ रहा है। कुछ देर बाद वो धुआं भी शांत हो जाएगा मगर इस धुएं के शांत होने के साथ वो चीजें शांत नहीं हो पाएंगी कि आखिरकार इस आग को किस वजह से तूल दी गई, किस वजह से आग लगी, किन किन अधिकारियों की लापरवाही रही, क्योंकि दोपहर में आग लगी थी उसके बावजूद इतना वक्त कैसे लग गया कि आग को काबू पाने के लिए सेना को भी बुलाना पड़ा, सीआरएफ को बुलाना पड़ा, उसके अलावा सीआरपीएफ को बुलाना पड़ा, नगर निगम की टीम मौजूद थी, आसपास के 3 जो हैं जिले हैं वहां से सीए टीम बुलाना पड़ी, सीओ रायसेन से भी और मंडीदीप से भी। तो अगर बात करें तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात यह है कि अभी आग की लपटें बिल्डिंग से निकलती हुई नजर नहीं आ रही है, लगभग आग पर काबू पाया जा चुका है, हम ये कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाए रखिए। जितेंद्र, बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।